अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक और मज़े में होंगे। तो इस टाइम जो है मैं सही के लिए आज बहुत लेट उठी हूँ, तो रमज़ान जो है बस अनकरीब जाने वाला है और मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा उदास होने लग गया। थोड़े से दिन रह गए और रमज़ान चला जाएगा और अपनी यादें भी साथ ले जाएगा। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अपनी ईद की शॉपिंग, और मेरी कज़न आई हुई है बाहर से तो उसके लिए भी कुछ ईद के ड्रेसेस लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस टाइम मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे तो अभी मैं लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल और साथ में मिक्स करूँगी इसमें रोजमेरी ऑयल। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मरियम परवेज का बताया हुआ एक रेमेडी कह सकते हैं। तो मैंने इसको फॉलो किया ना तो मेरे बालों की जो गिरना है वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। बाल मेरे बहुत ज़्यादा ना ड्राई से हो गए और नीचे से एक जैसा नहीं बॉम्ब फट जाता है, ऐसे किस्म के बाल हो गए हैं। जब से मैंने ये ऑयलिंग स्टार्ट किया ना तो मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप भी इसको ज़रूर यूज़ करें। इसमें करना क्या है कि कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें सिर्फ चंद ड्रॉप्स आपने रोजमेरी ऑयल के डालें, क्योंकि रोजमेरी ऑयल को आप डायरेक्टली बालों पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको डाइल्यूट करके ही यूज़ करना होता है। तो इस टाइम मैं अपने स्कैल्प की बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ। मैंने कुछ रूट्स पर भी ऑयल लगाया है लेकिन मैंने स्कैल्प पे ज़्यादा लगाया, स्कैल्प मेरी बहुत ड्राई हो रही थी। कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने बताना है कि अभी तक आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है कि नहीं, और कैसे जा रहा है आपका रमज़ान, और आप जो हैं वो आजकल क्या स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं ईद के लिए। अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए फेस पैक। तो आजकल ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो रही है और बिल्कुल भी स्किन में ग्लो नहीं रहा, और ईद बहुत करीब आ गई है तो इस टाइम बना रही थी फेस पैक। तो इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा दही और साथ में मैंने ऐड कर लिया है बेसन। इस रेमेडी को ना मैं अक्सर फॉलो अप करती रहती हूँ, तो जब बहुत ज़्यादा स्किन ना डल सी हो जाती है ना, ग्लो नहीं आ रहा होता, तो मैं इसको रूटीन में फॉलो करती हूँ ना तो मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है इससे। अफ्तारी के लिए आ गई हूँ मैं किचन में, तो इस टाइम हनी जो है वो बना रही है क्लब सैंडविचेस, तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद है। मुझे ना इतने खास नहीं पसंद, मुझे थोड़े से ना रुके रुके से लगते हैं लेकिन इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना ये अपने लिए क्लब सैंडविचेस बनाती रहती है। इसमें मैंने डाला है मेयो डाला है, थोड़ा सा चिकन डाला है, और मेयो की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और साथ में थोड़ा सा केचप भी डाला था, और साथ में मैंने बनाए थे ब्रेड रोल। तो इस रमज़ान में ना मैंने ब्रेड रोल बहुत ज़्यादा खाए हैं, इतने ब्रेड रोल खाए हैं कि अपना वेट भी गेन कर लिया, लाइक 2 से 3 केजी तो रमज़ान में मेरा गेन हो गया। लोग रमज़ान में लूज़ करते हैं, अगर मैंने ब्रेड रोल और समोसे वगैरह खा के ना बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। रमज़ान में ये ऐसा मौका होता है कि जिसमें आप तरह तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं, तो नॉर्मल रूटीन में तो बहुत ही कम होता है कि मैं कोई कुकिंग करूँ या कुछ खास स्पेशल घर पर बनाऊँ। रमज़ान ऐसा टाइम होता है मेरे पास ना बहुत अच्छा मौका होता है, इस टाइम रेसिपीज़ भी बना रही होती हूँ मैं, काफ़ी टाइम भी मिल जाता है। तो साथ में मैंने बनाए हैं इसके नगेट्स भी बनाए हैं, तो मैंने पहले रोल बना लिया, अब फिर मैंने इसके ऊपर लगा रही हूँ क्रम्स। क्रम्स जो है ये मैंने घर पर खुद बनाए थे, मैंने ब्रेड लेकर उसको ग्राइंड कर लिया और फिर मैंने क्रम्स बना लिए। वैसे मार्केट से भी मिलते हैं लेकिन घर के क्रम्स मेरे ख्याल है ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं इससे ना। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने इस बार रमज़ान में सबसे ज़्यादा क्या बनाया और सबसे ज़्यादा क्या खाया है। बस फिर देखें बातों बातों में मेरे जो हैं ब्रेड रोल तैयार हो गए हैं, और ये देखें किस कदर क्रिस्पी और मज़े के हैं। क्या लोग आप लोग भी अफ्तारी पे ब्रेड रोल वगैरह बनाते रहते हैं? तो बस फिर हमने अफ्तारी कर ली है, साथ में मैंने अपनी बनाई थी ग्रीन टी और फिर मैंने पढ़ी नमाज वगैरह। तो अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, तो मेरी कज़न आई हुई थी बाहर से तो हमने उसको ना ईद का गिफ्ट देना था, तो वो बिल्कुल लास्ट डेज में आई है तो बिल्कुल भी उसने किसी किस्म की ईद की शॉपिंग नहीं की। तो फिर हमने उसे कहा कि हम तुम्हें ईद का ड्रेस लेकर देंगे। तो हम लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग के लिए, तो मैं देख रही थी सफ़ार में ईद की वैरायटी कैसी आई हुई है। तो ये दोनों ड्रेस ना मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हसीन जोड़े थे, मतलब पूरे सफ़ार में ना मुझे सबसे ज़्यादा यही ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कुछ, मैंने सोचा कुछ लॉन्च ऑन हो जाए क्योंकि ईद पे ना गर्मी बहुत होती जा रही है। इस्लामाबाद में आज भी मैं बाहर गई थी तो इतनी गर्मी थी ना, बहुत गर्मी मुझे लगी, मतलब मुझे रोज़ा ही लगने लग गया। तो ये देखें ये किस कदर हसीन जोड़ा है, इसका कलर बहुत प्यारा था, मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने ना बड़ा टाइम लगाया सफ़ाया में, लाइक मुझे गिफ्ट देना ना बड़ा मुश्किल काम लगता है, अपने लिए कोई चीज़ पसंद करें ना वो फिर भी आसान होता है क्योंकि आपको आइडिया होता है कि आपकी चॉइस कैसी है और आप पे कैसा पहना है। लेकिन अगर आपने किसी को गिफ्ट देना पड़ जाए ना तो वो तो समझ ही नहीं आता कि बस मेरा यही होता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि यार ये उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो गिफ्ट देना ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे। तो बस सफ़ायर में ना मेरा काफ़ी टाइम लग गया था। ये ड्रेस देखें मुझे काफ़ी ज़्यादा हसीन लग रहा था, लेकिन ये आपको ऑरेंज जो है यहाँ पे ना वीडियो पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये ड्रेस बहुत प्यारा था। लेकिन बहुत ही प्यारी सी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बहुत ही लाइट से इसका काम था, लेकिन हनी कहती है नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ईद पर ज़्यादा ना लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं लॉन की वैराइटी भी देख रही थी साथ में, मैंने कहा चलो कुछ अपने लिए भी कोई ड्रेस ले लेती हूँ लॉन का, तो मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। फिर काफ़ी टाइम लग गया सफ़ार में, लेकिन मुझे ना ईद की वैरायटी इतनी कोई खास नहीं लगी, लाइक थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी, लेकिन ईद के लिहाज से होता है ना थोड़ा सा फॉर्मल सा, थोड़ा सा फैंसी टच दे रहा हो, वैसा कुछ भी नहीं था।
तो ये देखेंगे ड्रेस के कलर का बहुत प्यारा है इसका, बहुत ही पाउडर पिंक सा कलर है, बहुत प्यारा है। अच्छा तो बहरहाल मेरे कलर्स के मामले में ना वो बहुत वोकैबुलरी कम है, मुझे कलर्स की खाली पहचान नहीं होती है और ना ही मुझे इन कलर्स के नाम आ रहे होते हैं। दूर से बहुत अच्छा लग रहा था ये, लेकिन मुझे करीब से देखा तो मुझे इतना खास नहीं लगा। तो ये देखें ये लॉन का इसकी फ्रॉक कितनी प्यारी है, ये देखें मैं आपको एक मस्टर्ड कलर दिखाती हूँ। अच्छा मैंने नोट किया बहुत सारे लोगों को ना मस्टर्ड कलर नहीं पसंद होता, पर मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन कुछ कुछ मस्टर्ड कलर ना बहुत प्यारे होते हैं, अगर कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल प्यारे नहीं लगते पहने हुए। तो मस्टर्ड कलर ऐसा कलर है ना कि आपके फेस पर बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देता है और आपका कलर जो है ना आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन उठ के ये कलर आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एम्ब्रॉयडरी वाले, तो यहाँ पे हमने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन ईद के लिहाज से ना हमें यहाँ पर उस कदर खूबसूरत वैरायटी नहीं मिली जैसी कि सफायर में होनी चाहिए। नो डाउट यहाँ पे ना उसके कपड़े बहुत प्यारे थे, लॉन के बहुत प्यारी वैरायटी थी, पर ईद के लिहाज से ना मुझे यहाँ पर कुछ खास ड्रेसेस नहीं लगे। पर हाल फिर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, कुछ लोग जो है ईद पर बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं पहनते हैं, नॉर्मल से ड्रेसिंग करते हैं। तो ये हनी और मैंने ना काफ़ी टाइम लगाया, ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, हनी को इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी हुई थी। तो लिटरली ये ड्रेस वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा था, पहनकर भी हनी ने ट्राई किया था तो हनी को बहुत अच्छा लग रहा था, ये मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना मुझे कुछ खास नहीं लगी है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके साथ वो वाले ड्रेसेस शेयर किए हैं जो पर्सनली मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये वाला ब्लू वाला देखें किस कदर हसीन है इसकी, कितनी प्यारी जो है एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है, ये सही मुझे ईद ड्रेस लग रहा है। और ये वाला देखें ये बहुत प्यारा था, मुझे इसका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत प्यारा था। पर आई थिंक सो ईद पर जो है थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं ना वो ये चलते हैं, लाइक टिपिकल शलवार कमीज होगी वैसे, तो वेस्टर्न जो है वो ईद पर ना नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये देखें ये हनी ने निकाला था, कहती देखो किस कदर प्यारा है, तो ये टू पीस ड्रेस था बहुत प्यारा था। अच्छा तो हमने यहाँ पर इनकी फेस्टिव भी देखी थी, तो ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका ऑर्गेंजा का दुपट्टे का ना अजीब सा ही प्रिंट था, लाइक हमें नहीं अच्छा लगा। तो हम यहाँ पे देख रहे थे फेस्टिव में कि कुछ अच्छा सा ड्रेस मिल जाए, मगर मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ड्रेस है जो यहाँ पे प्यारा लगा, और एक जो शुरू में मैंने आपको डमी में दिखाया था बस वो वाला ड्रेस जो है वो प्यारा था। बाकी ईद के लिहाज से ना यहाँ पर मुझे कुछ खास वैरायटी नहीं नजर आई। तो फिर हम अनस्टिच पे आ गए थे, मैंने सोचा चलो कुछ स्टिच नहीं मिल रहा था, चलो अनस्टिच कुछ देख लेते हैं ईद के लिहाज से, लेकिन चलो ईद पर नहीं पहन सकती, बाद में पहन लेंगी वो। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से, बड़ा टाइम लगाया हमने यहाँ पे, लाइक मैं देख रही थी बहुत प्यारे प्यारे, ये वाला ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, मगर अब क्या है कि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सोचा अनस्टिच ही दे देते हैं उनको, अगर स्टिच भी नहीं पसंद आया। तो यहाँ पे ना वैरायटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लॉन प्रिंट्स बहुत प्यारे थे, मगर यहाँ पे फेस्टिव अनस्टिच फेस्टिव बहुत अच्छे थे, स्टिच बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे, कुछ खास बनावा ही नहीं था उन पर ईद के लिहाज, तो बिल्कुल भी खास वैरायटी नहीं थी सफायर में, लेकिन वो बहुत प्यारे थे अनस्टिच जो है, बहुत प्यारी इनकी कलेक्शन थी। तो ये वाला पर्पल जो है यहाँ पे आपको डार्क पर्पल लग रहा है, लेकिन ये मोव कलर है, बहुत लाइट पर्पल से कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था ये ड्रेस। और ये ब्लू वाला नेवी ब्लू मुझे तो वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मेरा ब्लू कलर जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाला ड्रेस था मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यार इनकी जो है अनस्टिच फेस्टिव कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारी थी, स्टिच तो मुझे इतनी खास नहीं लगी, लेकिन अनस्टिच बहुत प्यारी थी। लेकिन अब ईद पे तो टाइम ही नहीं रहा, वो अगर पहले आ जाती ना तो फिर मैंने सोचा चलो स्टिच करके देते हैं, लेकिन उनके साइज़ का हमें ज़रा इशू था। हमने कहा कि स्टिच का फिर भी आइडिया होता है, जो प्रिंट होता है उसमें आइडिया होता है कि स्मॉल मीडियम लार्ज इस तरह से आप लोग ले लेते। तो साथ साथ मैंने आपको रेट्स भी बता दिए हैं जो जो ड्रेसेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवरेट लगे, बहुत ज़्यादा पसंद आए, मैंने आपके साथ सारे वही ड्रेसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। पर्सनली मुझे सफायर की लॉन बहुत पसंद है, इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और दूसरी ये कि बहुत ही ईजी ब्रीजी से होते हैं, कुछ लॉन ऐसी होती हैं वो थोड़ी सी ना चुभने सी लग जाती हैं पहनने के बाद, लेकिन इनकी लॉन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और इनकी ड्यूरेशन भी काफ़ी होती है, लाइक एक दो साल तो आराम से इनकी लॉन निकाल लेती है। ये वाला ड्रेस हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लॉन की कलेक्शन बहुत प्यारी थी, पर क्या है कि मैंने अभी बिल्कुल भी लॉन के सोच ही नहीं रही, पहले मैंने एक दो ड्रेस ले लिए लॉन के, अब आने आपके साथ शेयर भी कर दिए, तो अभी ना मैं सोच रही थी कि फिर भी देख लेती हूँ, लड़की हूँ ना क्या करूँ, जब भी जाऊँ बाजार में ना कहीं नज़र ज़रूर अटकती है किसी ना किसी शॉप पर और किसी ना किसी ड्रेस पर। तो बस फिर आगे हम मारिया बी में, वैसे भी मेरी कज़न को ना मारिया बी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने सोचा चलो मारिया बी भी चक्कर लगा लेते हैं, यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी उनके लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे ईद की कलेक्शन, तो मुझे ना मारिया बी की ईद की कलेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी, पर इनके रेट्स बहुत ज़्यादा मुझे हाई लग रहे थे। वैसे मारिया बी पहले फिर भी अफोर्डेबल था, लाइक आप ले लेते थे, पर इस बार मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे, मगर इनके डिज़ाइनिंग और ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही परफेक्ट थी, मतलब बहुत प्यारी वैरायटी थी ईद के लिहाज से, लाइक
बहुत ज़्यादा भरे भरे काम भी नहीं थे, बल्कि बहुत डिसेंट वैरायटी थी इनकी। तो ये देखें, ये वाला फ्रॉक जो है मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक दो ड्रेसेस ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया, खासकर लॉन में, तो मैं सोची थी कि खुद से ही डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो लेकिन ये देखें, ये चिकनकारी का प्रिंट कितना प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, ये पिंक वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों ने ईद का ड्रेस अगर ले लिया है तो कौन से कलर का लिया है। मेरा जो ईद का ड्रेस है वो तो मरून कलर का है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपने ईद का ड्रेस जो है वो किस कलर का लिया है। तो मारिया वी में नो डाउट हमेशा ही बहुत अच्छी और खूबसूरत तरीन वैरायटी होती है। हाँ, अनस्टिच की तरफ भी हम आए थे। अच्छा, मुझे ना अनस्टिच जो है वो सना सफीनास की अनस्टिच कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है एज कम्पेयर टू मारिया वी। मारिया वी में स्टिच बहुत प्यारे थे, अनस्टिच इतने खास मुझे नहीं लगे, लेकिन सना सफीनास के तो बहुत ही कमाल के अनस्टिच। आगे जाके मैं आपको सना सफीनास भी दिखाऊंगी, उनके अनस्टिच कलेक्शन मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो मुझे ना अनस्टिच उनका बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पर अभी तो मारिया बी की बात हो रही है, तो मारिया बी के अनस्टिच भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे और इनके पास बहुत ही हैवी कलेक्शन थी। अगर आप लोगों ने अभी तक ईद का ड्रेस नहीं लिया है तो मैं तो कहती हूँ कि चले जाएं मारिया बी और अपने लिए खूबसूरत सा ईद का ड्रेस ले लें। तो आपको मेरी वीडियो से वैसे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मारिया बी में इस टाइम किस किस्म के ड्रेसेस आए हुए हैं। अच्छा, शॉपिंग करना ना मुझे पर्सनली बहुत ही मुश्किल काम लगता है, मतलब बहुत थक जाते हैं ढूंढ ढूंढ कर, और जब ब्रांड्स की ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है ना पास में तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है, यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें, तो फिर बंदा बहुत थक जाता है। मैं तो कहती हूँ कि बस बंदे को ना 2 से 3 आउटलेट जाना चाहिए, पर वहाँ से पसंद करके ले लेना चाहिए। पर हमें क्या है, जब तक हम लोग सारे आउटलेट ना जाए ना, सारे ड्रेसेस ना देख लें, तो तब तक हम फाइनल नहीं करते। लेकिन होता यही है ज़्यादातर मेरे साथ, तो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है। जो ड्रेस आपको पहली नज़र में पसंद आता ना, मैं तो बस वो ही लेती हूँ। उसके बाद बाज़ार में घूमना फिरना ना मेरा ख्याल बेकार ही होता है। तो मेरे तो यही है कि जो चीज़ फर्स्ट में पसंद आई है ना, बस फिर वही लेनी है। बाकी तो फिर हम आदत से मजबूर हैं, जब तक हम घूमें ना, ड्रेस को देखें ना, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। हम कहते शायद चलो आगे चलेंगे, कुछ अच्छा ही मिल जाएगा। पर यहाँ पर ना सिंपल सिंपल ड्रेसेस भी बहुत प्यारे थे, बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग हुई थी। तो मैंने क्या किया कि मैं जब गई ना, मैंने इनकी बहुत सारों की तस्वीरें भी ले ली थी। मैंने कहा चलो फिर इनकी छोटी मोटी डिज़ाइनिंग जो है मैं लॉन ड्रेसेस पर खुद ही कर लूँगी। तो अच्छा, तो ये वाला देखें, ये बहुत अच्छा लग रहा था, नेवी ब्लू कलर, साथ में इसका दुपट्टा भी था, और दुपट्टे भी देखें किस कदर हसीन लेस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, आजकल ना बहुत ज़्यादा अगरखे का फैशन आया हुआ है, तो मैं सोची थी इस बार ख़ुद भी एक अगरखे की फ़्रॉक बनाऊंगी खुद से। तो ये देखें, बहुत ही सिंपल सी फ्रॉक है, तो इसको आप ख़ुद भी घर पर डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, लॉन का स्टफ़ लिया हुआ है इन्होंने और उसमें कलियाँ डाली हुई, और थोड़ा सा इन्होंने पैच वैच लगा लिया। तो प्राइस इसकी मैंने आपके सामने मेंशन भी कर दी है, लेकिन इसको मेरा ख्याल है ख़ुद भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो आजकल ना अगरखे का बहुत ज़्यादा फैशन आया हुआ है। तो ये वाला ड्रेस देखेंगे कितना हसीन है, कितना प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत वैरायटी है सनास मारिया बी में। तो मारिया बी में ये हुआ था कि मेरा दिल तो बस फ्लैट ही हो गया था, हर ड्रेस मुझे यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मतलब ईद की वैरायटी ना बेशुमार थी यहाँ पर, और एक से एक खूबसूरत चीज़ थी यहाँ पर। अच्छा, तो बहरहाल खैर, मैं अब आपको एक और ड्रेस सिखाती हूँ, उसकी मुझे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी थी। ये देखें, ये अनारकली स्टाइल इसको कहा जाता है, और ये देखें कितना खूबसूरत इस पर काम हुआ हुआ, लेकिन प्रिंट मुझे ना इतना खास नहीं लगा। ये ग्रीन वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी मुझे वहाँ पर अच्छा लग रहा था, पर इतना भी खास नहीं लगा, बहुत ही सिंपल सा लग रहा था। लेकिन इसकी देखें चौक पर इन्होंने ना लेस सी लगाई हुई, एम्ब्रॉयडरी की हुई शायद, साथ है भी ये 3 पीस, तो सामने से बहुत ही सिंपल है, लेकिन साइड से चौक पर है। लेकिन ईद के लिहाज से ना मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जब दुपट्टा देखा तो फिर मुझे लगा हाँ, ईद पर जो है इस किस्म का कॉम्बो वगैरह हो सकता है। वैसे भी ईद पर ना पता नहीं क्या है कि वैसे मौसम नॉर्मल रहता है, जब ईद आती है ना तो गर्मी एकदम तप जाती है, फिर समझ ही नहीं आता कि ईद पे अब जो कपड़े ले लिए हैं उसे कैसे पहना जाए, मतलब बहुत ही ना तंग हो जाता है। स्पेशली मैं तो बहुत तंग हो जाती हूँ ईद में हैवी कपड़े पहनकर। अच्छा, तो मैं अब आपको ना एक इनका बहुत ही खूबसूरत सा और ट्रेंडी सा ड्रेस दिखाती हूँ, जो कि बड़ा इंस्टाग्राम पे ना मैंने वायरल होता देखा है। लाइक ये वाला ड्रेस देखें कितना हसीन है, इसकी नेकलाइन बहुत प्यारी है, मगर ये इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत वायरल होता देखा है, मतलब हर दूसरे तीसरे बंदे ने ना ये वाला ड्रेस पहना हुआ। तो फिर मैं आ गई थी सना सफीनास में, तो मैं तो इनकी जो अनस्टिच कलेक्शन है ना उसकी तो मैं फ़ैन हो गई थी, मुझे इतने प्यारे कपड़े लगे इनके, इतने प्यारे कपड़े लगे, सारे ब्रांड में इस जैसे डिज़ाइन मुझे नज़र नहीं आया। हर ब्रांड में हर एक अपना अपना ही स्टाइल होता है, लेकिन इस जैसा स्टाइल ना मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मतलब इनके कपड़े जो स्टाइलिंग थी, पैचेस और ये वो, लटरम पटरम हर चीज़ बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही परफेक्ट थी। तो ये वाला मैं ड्रेस देख रही थी इस टाइम पे, और ये वाला ड्रेस देखें कितना हसीन है, मुझे बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ पैचेस थे, पहले मैंने इनके ऑनलाइन देखे थे, फिर मैंने कहा चलो मैं स्टफ़ जो है जाकर देखती हूँ। असल मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ऑनलाइन काफ़ी दफ़ा ब्रांड से मंगवाया ना,
होता कलर कुछ और है, जब घर आता ना वो पसंद ही नहीं आता मुझे। वैसे बड़ा अच्छा हो रहा होता लेकिन जब घर मंगवाती हूँ ना तो फिर दिल टूट जाता है। फिर कहती हूँ यार अब कैसे होगा, सेल में खासकर तो होता है, सेल में तो वापस भी नहीं हो सकता। वैसे तो नॉर्मली आप ले लेते ना शॉप पे जाके चेंज भी करा लेते, लेकिन सेल में ना ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं होता। फिर मजबूरन मुझे ना सिलवाना पड़ता है, मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है। बहरहाल ये वाला ब्लैक देखें, ये कितना प्यारा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी और वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो फिर हमने अपनी कज़न के लिए ना यहाँ से ही एक ड्रेस ले लिया था। मैंने सोचा चलो अनस्टिच ही है लेकिन चलो बाद में सिलवा लेगी, हम गिफ्ट भी देना था हमने। स्टिच में तो हमें कोई नहीं पसंद आया पर हमने कहा चलो अनस्टिच ही यहाँ से ले लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ से इनके लिए ना एक अनस्टिच ड्रेस भी ले लिया। अब मैं ना आपके साथ दिखाती हूँ, ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसका कलर का ना मुझे बहुत दिल करता है कि मिंट ग्रीन कलर ना मुझे बहुत फेवरेट हुआ है आजकल, तो हर जगह मैं जाती हूँ ना तो मेरी उसी पे नज़र अटकती है। तो ये वाले जो प्रिंट्स हैं ना मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, ये सबके सब ना बहुत प्यारे थे। और फिर हम लोग प्रेट कलेक्शन देखी थी इनकी, तो प्रेट कलेक्शन में ना ईद की वैरायटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके स्टफ जो है वो मिड सीज़न वाले थे, लाइक सही गर्मी वाले स्टफ नहीं थे, लॉन्ग स्टफ नहीं थे, मिड सीज़न वाले स्टफ थे। लाइक ईद में एक दफ़ा पहन लिया फिर नहीं पहन सकता बंदा इनको। तो ये कुछ फ्रॉक्स थे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ शर्ट्स थी इनकी बहुत ही प्यारी थी, लाइक बहुत अच्छी लग रही थी। ये हनी को बहुत अच्छी लगी, जब हनी ने उठाया तो हनी भी कहती है नहीं नहीं प्यारा। अच्छा कुछ चीज़ें ना बहुत दूर से बहुत प्यारी लग रही होती है लेकिन जब करीब से आप जाकर देखते हो ना तो फिर वो उस पर ना इतनी अट्रैक्शन नहीं आ रही होती, पता नहीं क्यों, मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाला ड्रेस जो है ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये 3-पीस था लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही भरा भरा काम था। लाइक ये शादी पे अच्छा लग सकता है, ईद पर नहीं अच्छा लग सकता आई थिंक सो। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग हैवी ड्रेस पहनना ईद पसंद करते हैं लेकिन मुझे होता है थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए, बहुत फैंसी भी ना। अच्छा ये इनके शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ऐसी शर्ट्स मैंने किसी भी ब्रांड में नहीं देखी। तो मैंने आजकल ना ईद पर आपको पूरी ईद सीरीज दिखाई है, हर ब्रांड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मगर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सना सफीनास मारिया बी इनकी बहुत क्लास की वैरायटी है एथेनिक, और ये वो मुझे वहाँ पे कुछ भी खास पसंद नहीं आया, लेकिन ये दो वाहिद ब्रांड है ना जहाँ पे मुझे वैरायटी वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये वाला ड्रेस देखें ये कितना प्यारा है, इसका कलर बहुत प्यारा, देखें कितना हसीन कलर है, मुझे मतलब बहुत इससे ना अट्रैक्शन हो रही थी वहाँ पर, मतलब मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था। पर हनी कहती है नहीं इतना अच्छा नहीं है, फिर मैंने खाड़ी से भी एक ड्रेस ले लिया। फिर हम आगे हैं अपने मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट स्टेशन पर, तो हमने यहाँ से खाई थी फिर आइसक्रीम। तो डे आज का बहुत ही अमेजिंग गुजरा। तो मैं वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड, तो मिलते हैं किसी नए कॉन्टेंट और नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।